राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का झारखंड दौरा शुरू हो गया है। इसको लेकर रविवार सुबह वो रांची पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में जो भी फैसला आएगा वो केंद्र नेतृत्व से आएगा, इस फैसले को वो सार्वजनिक करेंगे। रांची पहुंचने के बाद बीजेपी झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि उनका काम संगठन को मजबूत करना है, क्योंकि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा उन्हें यही जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड में भाजपा संगठन को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से वह रांची पहुंचे हैं। वहीं डुमरी चुनाव को लेकर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि जल्द ही एनडीए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेगी। भाजपा और उनके सहयोगियों के द्वारा डुमरी उपचुनाव में जमकर प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। डुमरी उपचुनाव में जनता ये बता देगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार का अब यह अंतिम समय है। डुमरी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ ही आगामी विधानसभा के जीत का शंखनाद हो जाएगा। काम राष्ट्रीय नेतृत्व का है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने यहाँ ऑब्जर्वर भेजा था, आदरणीय चौबे जी आए थे और उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उसका समय पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। आप आए हैं तो स्पष्ट नहीं होगा। मेरा तो रूटीन का काम है, झारखंड राज्य के संगठनात्मक प्रभारी होने के नाते मुझे तो यहाँ आने जाने का क्रम है। संसद खत्म हुई परसों, आज मैं झारखंड में हूँ। आज भी खत्म नहीं होगा? नहीं, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो घोषणा करेगा, उसकी घोषणा झारखंड से नहीं होगी। डुमरी उपचुनाव है और एनडीए लड़ेगा और एनडीए जीतेगा, इस संकल्प के साथ झारखंड के कार्यकर्ता काम करेंगे। क्यों लक्ष्मीकांत जी इतना आप लोग उस पे कह सकते प्रत्याशी का नाम नहीं बता रहे हैं? मैं से पहले कोई चीज बताने का कोई लाभ होता है क्या कभी? और अगर कूटनीति और रणनीति सार्वजनिक कर दी जाए तो फिर उसको कूटनीति और रणनीति क्यों कहेंगे? सर दो दिवसीय दौरे तो अब देखिए कार्यालय पहुंचने दीजिए, जो यहाँ का नेतृत्व तो कहेगा वो मैं उसमें चर्चा होगी। नंबर एक, एक बात मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर किसी का नेतृत्व तो करने के लिए झारखंड का प्रभारी नहीं हूँ। झारखंड के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के साथ सहयोगी की भूमिका में मुझे पार्टी ने भेजा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।